आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी के बारे में, जिससे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा होती है। तो जानेंगे हम उस रेमेडी के बारे में, किस तरह हमें उपयोग करना उसको। तो बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो पहले हम जान लेते दोस्तों, उस रेमेडी से जो फ़ायदा होने वाला है। शरीर के अंदर कमज़ोरी महसूस होती है, शरीर है वीक हो गया है, शरीर में ताकत नहीं है, ऊर्जा बनती नहीं है। अच्छा खान पीन करने के बावजूद, अच्छी चीज़ें खाने के बाद भी शरीर के अंदर ताकत नहीं बनती है, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया रामबाण इलाज है। जैसा कि शरीर के अंदर जो जिस्मानी कमज़ोरी है, उसके अंदर भी ये बहुत ही फ़ायदा करती है। जिनको भी थकान वगैरह रहती है, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया रेमेडी है ये। ये रेमेडी एकदम नेचुरल आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, इस रेमेडी का उपयोग करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो निम्न प्रकार है। तो आप इन बातों का हमेशा ख्याल रखें इस रेमेडी का उपयोग करने से पहले, कि ये रेमेडी है ये गर्म होती है और शरीर में ताकत बनाती है। जो यौन समस्या है उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। यौन समस्या की जितनी भी कमज़ोरी है उनको ये दूर करती है और शरीर के अंदर भरपूर ताकत पैदा करती है। शुक्राणु है वो कम हो गए, उनको ये भरपूर मात्रा में पैदा करती है। उससे जिनको भी बच्चा ना लगने की समस्या है, उनको वो शुक्राणु काउंट होते हैं, बढ़िया बनते हैं, ताकतवर बनते हैं, उसकी वजह से बच्चे लगने का भी चांस बढ़ जाता है। जैसा मैंने आपको बताया है, इस रेमेडी का उपयोग करना है आपको, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये गर्म है और वही लोग इस्तेमाल करें इनका, इसकी जो तासीर है गर्म है, खास करके उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है ये। जो शादीशुदा कपल है उनके लिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी है ये, क्योंकि उनके लिए यौन समस्या से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी इस रेमेडी से दूर होती है। ये लेडीज जेंट्स दोनों के लिए रेमेडी है और इसे सिंगल लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उन्हें ख्याल ये रखना है कि जब इसका इस्तेमाल करें तो उसके बाद ना वो कुछ नॉर्मल चीज़ें, जो ठंडी चीज़ें उनका इस्तेमाल करें, ताकि उनको ये जितनी गर्माहट पैदा करेगी उत्तेजना है वो बढ़ती है इससे। इसलिए सिंगल लोग भी इस्तेमाल करें तो थोड़ा सोच समझ के ध्यान से इस्तेमाल करें, क्योंकि इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ ठंडी चीज़ों का उपयोग करना होगा आपको। अब जान लेते हैं हमें इसे उपयोग करने के तरीके के बारे में और इस रेमेडी का नाम जान लेते हैं, किस तरह की ये रेमेडी है। तो दोस्तों, इसे उपयोग करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको पहले। तो इस रेमेडी को आपको यूज़ करना है, इसकी एक गोली सुबह और एक गोली शाम को लेनी है आपको, एक गिलास गुनगुने दूध के साथ में लेनी है। जितनी भी यौन समस्या है, जो सेक्सुअल समस्या है जेंट्स लेडीज दोनों के अंदर, काम करने की इच्छा ना होना, उत्तेजना पैदा ना होना, लिंग का सुकड़ापन होना, वीर्य का पतलापन, घात वगैरह गिरना, पेशाब के साथ कतरे आना, टाइमिंग की प्रॉब्लम होना, ये सारी समस्या को ये एक रेमेडी दूर कर देती है। इसका इस्तेमाल आपको लगातार 2 से 3 महीने करना है और दूध के साथ में ही करना है। आपको मैंने तरीका बता दिया है, शादीशुदा के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, और जो सिंगल है जिसका मैंने तरीका बताया उस तरीके से इसे इस्तेमाल करें। रेमेडी के बारे में मेरे कुछ दोस्तों ने फिर से पूछा कि सिंगल लोगों के लिए आप बताइए इसके बारे में, किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, जो बगैर शादीशुदा लोग हैं उनके बारे में आप बताइए। तो मैं इसलिए ये वीडियो फिर से लेके आया हूँ। तो सिंगल लोग हैं जो बगैर शादीशुदा, वो भी इस्तेमाल कर सकता है, बस उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो इस रेमेडी का नाम है दोस्तों जिरयानी। ये जिरयानी रेमेडी आती है,
और ये बहुत ही बढ़िया फ़ायदा करती है। और इसे आप यूज कीजिए और इसका फ़ायदा लीजिए, और ख़ास करके ध्यान रखें थोड़ा खटाई वगैरह का परहेज करें ताकि हमें यह जल्द से जल्द फ़ायदा दे सके। तो इस तरह ये इस रेमेडी का हम फ़ायदा ले सकते हैं। और दोस्तों आपको फिर से मैं यही कहूँगा कि आयुर्वेद अपनाइए और स्वस्थ रहिए। तो आयुर्वेद अपनाओगे तो अपने शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अच्छा वीडियो लेके, एक अच्छी रेमेडी लेके।